आज हम देख सकते हैं योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पूरे भारत में मनाया, भारत के विश्व में भी, क्योंकि हमारे गुरुजी रामदेव बाबा जी ने, उन्होंने लोगों को योगा करना सिखा दिया और किस तरह आप निरोग रहेंगे, अच्छा रहेंगे। आज हम सर जय गिरजा देवी आज उन्हीं के शिष्य हैं, आज उड़ीसा संबलपुर में वो भी योगा डे मना रही है। तो मैडम आज योगा डे पर क्या बोलना चाहेंगे? आज 10वां योगा डे हम लोग पालन कर रहे हैं, तो आज का थीम है योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो मैं इस योग दिवस में आप लोग को सबको बोलना चाहूँगी कि आज एक दिन करने से काम नहीं चलेगा, अगर योगा हम लोग 365 दिन करेंगे तभी लाभ देगा। योग को जीवन का अंग बनाइए, सुबह सुबह 24 घंटा से 1 घंटा अपना शरीर को दीजिए तो जीवन भर निरोग रहोगे। और जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इससे क्या होता है कि योग करेंगे तो महिला को शक्ति मिलेगी, शक्ति मिलने से वो अपने तरफ से भी इंडिपेंडेंटली सब काम कर सकेगी, समाज के लिए भी कर सकेगी, देश के लिए भी कर सकेगी। इसीलिए सब चीज़ के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। चलिए मैडम ने कहा ये खाली बड़ों का नहीं है, बुजुर्गों का नहीं है, छोटे से बच्चे से लेके उनकी माँ तक, जवान लोगों के लिए भी योगा है। क्योंकि ये योगा दिवस पर आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, वो भी योगा दिवस पर सबको वेल विशिंग करते हैं, वो भी योगा करते हैं, वो भी कहते हैं मैं जवान हूँ, दौड़ रहा हूँ, फिर रहा हूँ, तो सिर्फ योगा के लिए मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी टाइम तो मैं कर नहीं कर सकता, योग करते हैं। इसी तरह हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री, वो भी योगा पर बहुत ही लोगों को विशिंग करते हैं। और हम तो चाहेंगे हम सब मिलके गिरजा देवी को विशिंग करें, जो उन्होंने पतंजलि की तरफ से योगा दिवस बना रखा है, बचा के रखा है। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।